हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए ढोकला की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनकर तैयार हुई और ये बहुत ही फ्लफी और स्पंजी है। ढोकला हर किसी को पसंद होता है और ये बहुत इजीली बनकर तैयार होता है। इसमें मैंने दही नहीं यूज़ करी है और बहुत आसानी से इसे बनाया। सबसे पहले मैंने लगभग 200 ग्राम बेसन लिया है। हाफ छोटा चम्मच नमक, एक चम्मच चीनी, हाफ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। इसे डालने से ढोकला का कलर बहुत ही अच्छा होता है। इसकी मेन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स नींबू है। नींबू डालने से ये बहुत ही अच्छे से, इसमें ना आपको किसी ईस्ट या दही कुछ भी डालना नहीं है, बस इसमें आप नींबू ऐड कर दो। अगर आप बेसन की क्वांटिटी ज़्यादा रखोगे तो इसमें आप एक नींबू डाल सकते हो। अब हाफ कटोरी पानी की सहायता से इसे हमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें लम्स ना हो, और ये जितने अच्छे से आप इसे फेटोगे आपका ढोकला उतना ही फ्लफी और उतना ही अच्छा बनकर तैयार होगा। ये देखिए, इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे ढककर हम आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। जब तक वो सेट होता है तब हम एक कढ़ाई पे लगभग एक गिलास पानी डालेंगे। पानी जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम स्टैंड को डालकर ढोकला तैयार करेंगे। आधा घंटा हो चुका है और बेसन भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं एक पैकेट मीनो ऐड कर रही हूँ। मीनो डालने से ये बहुत ही फ्लफी बनता है। मीनो डालकर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए, ये कितना फ्लफी बन चुका है। इसे डालने के बाद हमें बहुत ज़्यादा देर इसे नहीं रखना है, इसे तुरंत हम मोल्ड में डाल लेंगे। इसे मैंने केक के मोल्ड में तैयार किया है, आप चाहो तो किसी भी बर्तन में इसे डाल सकते हो। ये देखिए, ये कितना हल्का हो चुका है। अब जिस बर्तन पे हम ढोकला बनाएंगे उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डालकर इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अब हम सारे बैटर को इसमें एक बार में ही डाल देंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा पतला रखोगे तो आपके ढोकले अच्छे से फूल कर तैयार नहीं होंगे, और इसे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना। ये देखिए, अब इसे ये हमें अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे पानी में हम डालकर इसे एक ऐसे बर्तन से जिससे ये पूरी तरह से ढक जाए, इसे ढक कर पकाएंगे। लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा ढोकला बनकर तैयार हो जाएगा। इसे पहले हमें तेज आंच पे पका लिए, उसके बाद गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और लगभग 15 मिनट तक पकाएंगे। ये देखिए, ढोकला बनकर तैयार हो चुका है और ये इसके साइड्स भी बिल्कुल अच्छे से हो चुके हैं। इसे चेक करने के लिए किसी चीज़ को आप इसमें डाल कर देखो, ये अगर इसमें पानी की मात्रा ना हो तो इसका मतलब है कि ढोकला बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम जब थोड़ी देर बाद ये ठंडी हो जाए तो इसे हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। जब तक ढोकला ठंडा होता है तो इसमें डालने के लिए मीठी पानी को बना लेंगे। इसके लिए मैंने एक चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है, हाफ छोटा चम्मच राई, 10-20 करी के पत्ते। ये जब अच्छे से हल्के ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें मैं मैंने 3-4 हरी मिर्च भी कट करके डाला है। इससे ढोकले का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप बच्चे इसे खा रहे हैं तो आप इसमें मिर्ची को स्किप कर सकते हो। इसमें लगभग मैंने 3 चम्मच चीनी डाला है और इसे 1 कप पानी इसमें ऐड करके इसे लगभग हम 2 मिनट तक पकाएंगे। देखिए, ये भी अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। ढोकला ठंडा हो चुका है, इसे हम दूसरे बर्तन पर निकाल कर आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए ढोकला कितने अच्छे से बन करके आए हुए हैं। ये बहुत ही फ्लफी है और बहुत ही स्पंजी। इस पे ना मैंने दही ईस्ट कुछ भी यूज नहीं किया, फिर भी ढोकला कितने अच्छे से बन करके आ रहा है। इसके बाद इस पे मीठी पानी को मैंने बनाया, इसे हम ऊपर से डाल देंगे और इसे कट करके आप इसे सर्व कर सकते हो। अगर आपको ये चाय मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसी ही यूजफुल रेसिपी पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।